मदर फदीब आज कॉलर शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सीनियर के अभी 10:20 का टाइम हो रहा है और आज हमारा मिड का पेपर है इंशाल्लाह ताला। चलते हैं, तैयारी वगैरह हम लोगों ने कर ली है जितनी हो सके हमसे, और इंशाल्लाह ताला दोस्तों से पूछेंगे उनकी कैसी तैयारी है, और पेपर के बाद भी रिव्यू बताएंगे कि किसका कैसा हुआ पेपर इंशाल्लाह ताला। तो अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी, और बिलाल को भी रास्ते में लेना था, उसकी बाइक की यार चाबी गुम हो गई थी, कहता मुझे लेके चले जाना। तो अभी चलते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं यार फाइनली में पहुंच गया हूं, और ये प्रात सामने से आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। जल्दी कर, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तैयारी ये पहले बता सबसे पहले, हैं तैयारी कैसी है पेपर? अभी चलते हैं बस, आपको यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, और ऊपर धूप सही हैवी किस्म की आ चुकी है। 2000 years later. Later. गाइस फाइनली अलहमदिल्ला पहुंच गए इधर यूनिवर्सिटी। तो अभी हम इधर पहुंचे हैं अपने जो हॉल है जहां पे हमारा एग्ज़ाम होने है उसके बाहर। तो अभी चलते हैं अंदर, क्लास वगैरह देखते हैं किधर है, और फिर क्लास में जाके बैठ जाते हैं। वो लोग पहुंच गए, BS1 हमारा नज़दीक ही है, तो इधर सामने ही होना है। अरे ये हमारे क्लास का टॉपर है, कैसी तैयारी है भाई बताओ सबसे पहले आप? ज़बरदस्त तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी। ये हमारा दोस्त माशाल्लाह हरीपुर से, आपकी कैसी तैयारी है? बस कर, जितने तेरे स्टेटस देख रहा था ना मैं, सारी तूने ईद इंजॉय की है, ये प्रत भी है। हाँ बताओ भाई कैसी तैयारी है आपकी? बहुत फिट है तभी समझ रहे। ये हमारे जैन भाई तैयारी कर, एक और आए सुना, ये देखिए यार माशाल्लाह नवी शर्ट पा गया है लड़का। One hour later. और बता यार भाई कैसा करके है पेपर, इधर बता कौन सा गलत करके है, तो बता ना अब। अभी गलत करके आ गया पेपर, अभी रो रहा है क्यों चौधरी साहब? नहीं भाई मैं नहीं, चौधरी का तो बड़ा फिट पेपर हुआ है, आरिस का भी बड़ा फिट पेपर हुआ माशाल्लाह, यार बड़ा तैयार होके है, देख सकते हैं ये देखें माशाल्लाह, पप्पू केक बच्चा लग रहा है आज। बाकी ये ओन साहब अपना क्वेश्चन है गलत करके आ गए, और लुगड़ बना हुआ है क्वेश्चन गलत कर दिए, अभी ये देख रहे कि भाई सही किए कि नहीं किए, उधर मैम को पहुंच रहा कि गलत क्वेश्चन दिए। क्या ये मैथ्स कम्युनिकेशन का दिमाग है भाई, ये मैथ्स कम्युनिकेशन का ही आगे सारा क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का कपड़े दे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। घर वापस में आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज बाहर, तकरीबन टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन हवा भी चल रही थी, तो मौसम बैलेंस था अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर बड़ा फिट हो गया, और सीन ये है कि अभी कल हमारा पेपर है, मौसम चेक करें यार, थर्ड पेपर आज हमारा पेपर हो चुका है, और ये सारे पेपर डिस्कस वगैरह कर रहे हैं, और ऊपर बारिश बारिश, ये बड़ा पेपर दे के आ गए, तो अभी डिस्कस वगैरह कर रहे हैं, चलते हैं फिर अभी पार्क वगैरह में, और फिर शान लोगों से मिल के चलते हैं। 2 hours later. यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी घर पहुँचे हैं, ठीक है, और जो है तीसरा पेपर आज हमारा था वो हो चुका है, कल चौथा है, फिर पाँचवा, फिर छवा, लगातार अभी तीन पेपर और रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर पेपर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, संडे वाले दिन भी पेपर है हमारा। तो आज सीन ये कि बारिश का बड़ा हैवी किस्म का सीन बना हुआ है, तो बारिश अभी हल्की हल्की इधर लगी हुई है बूंदाबांदी, बाकी ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पहुंचा था, अभी मैं दिखाता हूँ कि बारिश की क्या अपडेट वगैरह है, तो फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या बनता है। अभी तो ये है कि सीन के पढ़ने के लिए बैठेंगे क्योंकि कल पेपर है लगातार, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हल्की हल्की लगी है बारिश, ये देखें ये गीला हो चुका है, और ऊपर अभी हल्की हल्की ना बूंदाबांदी लगी हुई है, ये देखें इस साइड के ऊपर, ऊपर फुल बादल ही बादल हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है। लेटर गाइस अभी माशाल्लाह अहमद की, अहमद 8 क्लास में चला गया, तो उसकी कॉपियों के ऊपर जो है वो कवर चढ़ा रहे हैं, और ये देखें पापा ये लेके आए वहाँ पर से, इसका नाम वगैरह और क्लास सब्जेक्ट स्कूल सब कुछ लिखा है, और ये देखें यहाँ पर ये भी काट रहे हैं समी भाई, ये देखें फुल इधर वो बने हुए मिस्त्री बने हुए, सही में मिस्त्री ना बने गलत, ठीक है पता आपको है नहीं, मैं सही काटूंगा, पता है किस तरह चढ़ाते हैं कवर, मुझे पता है मैं आपको वांटे मार, ठीक है एक कवर आप चढ़ा के दिखाएं फिर हम देख लेंगे भाई किस तरह का चढ़ाया, ये देखें वहां से काटो यार भाई, ये ले फिर खुद ही फाड़ दी यहाँ से, ये देखें भाई ये पागल हो गया बिल्कुल, कैसा दिया है पेपर था आपका मुझे बताओ जरा, पहले आप अपना बताएं सही है, मैंने बता मैं बता रहा हूँ, मेरे इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करते आपके मैटर करते, किस चीज़ का पेपर था आपका,
आपको पता है आप ड्रामे लगा रहे हैं। सच्ची बात नहीं, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में क्या करके आयो जल्दी बताओ। 65 से ऊपर नंबर है बस बता दिए। 100 में से 75 में से 75 में से पर वो कौन सा आया था, क्या कहते हैं ऐसे ऐसे आया था उसका, क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में था, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में एडवांटेजेस। तो क्या लिखा था फिर? मैंने 3 पेज भर गया। 3 पेज शापर नहीं फड़ने होते, कुछ करना भी होता है उसमें। 65 से ऊपर नंबर है आपके। बस ठीक है, ये भी बात नोट हो गई है। ठीक है तो यार ये भी पापा लेके आए आबे जमजम, और ये देखें अजवा खजूर और तस्बीह। ये पापा की कुली हैं, वो उमरा करके आई थी तो उन्होंने दिए ये सारे ऑफिस वालों को ना। तो ये भी पापा लेके आए, बाकी दही लेके आए, और ये क्या समी जलेबियाँ, क्योंकि मामा और पापा का रोज़ा है तो रोज़े रख रहे हैं इस वजह से। और ये देखें समी भाई, बाहर बारिश फिर शुरू हो गई है, जी, आप तो फुल गीले हो के आए यार, फुल आप नमाज के लिए गीला भी हो जो खैर है। क्या बात है, बस ये बात आपकी अच्छी है, बाकी आप सही बातें नहीं करते। ये बोर्ड के अच्छे रिजल्ट तो आप इंशाल्लाह, आपने कहा कि मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, तो जिस तरह के पेपर हुए हैं 80% तो 1000 रुपये मैं अभी आपको दूंगा, वीडियो के अंदर बता दिए। पिछले 500 नहीं दिए थे, मैं मानता हूँ नहीं दिए थे, इस बार 1000 पक्के दूंगा आपसे, प्रॉमिस है इंशाल्लाह। ठीक है अभी मैं किचन में आया हूँ, ठीक है, तो खाना मैंने नहीं खाया था, तो अभी खाना खाने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, ये देखें ये लोग काटे हैं, किस चीज़ को पसंद है मुझे बताएं। और बचपन कह रहा हूँ, जब हम 9-10 में होते थे तो हम दरख्तों से तोड़ के बड़े खाते थे। समी भाई आपने भी खाई है ना बिस्किट? लुकाटे खाई कि नहीं खाई? खाई हुई। लुकाटे जो पहले खाते थे वो ग्रीन ग्रीन खाते थे, बहुत खट्टी होती थी वो, और कुछ इस तरह की खाते थे पहले तो बहुत ज़्यादा खट्टी। मैं शहतूत खाता था छत दराख पे चढ़ के। अच्छा पूछा नहीं है वैसे। अच्छा तो अभी ये लुकाटे वगैरह थोड़ी सी मैं खा रहा हूँ, तो चीनी ये अभी खाना भी मामा ने बना के रखा है रोटी, तो रोटी खा लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला अपना बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे अफ्तारी के सामान भी मतलब कि तैयार होने वाला है अभी, मामा और पापा का जैसे मैंने बताया रोज़ा है, तो ये पकौड़ों के लिए मिक्सचर मामा ने रख दी है यहाँ पे, ठीक है, ये सूखने के लिए। तो अभी सीन ये कि यहाँ पे कढ़ाई भी निकाल ली है, तो बाकी फ्रूट्स वगैरह भी इंशाल्लाह कट करेंगे। तो गए जरा अभी मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे आलू मटर, ये बचा हुआ था तो मुझे ऐसे भी पसंद है। यहाँ पे रोटी पड़ी हुई है, अभी ये रोटी के साथ खा रहा हूँ। सामने अपनी ज़रा स्लाइडें वगैरह भी खोली हुई हैं ज़रा, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला मगरिब की नमाज़ कैसे भी टाइम होने वाला है, ये देखें थोड़ा सा टाइम रह गया, तकरीबन कोई 20-25 मिनट ही रह गए। बाहर अभी भी लगी हुई है बारिश, तो अफ्तारी का भी सामान वगैरह पापा तैयार कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह अफ्तारी थोड़ी देर के बाद करेंगे। मैं किचन में हूँ और पापा ने यहाँ पे चटनी बनाई है, ये देखें बड़ी हैवी किस्म की, और साथ यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं, समोसे रोल और थोड़े बहुत पकौड़े तल दिए, बाकी यहाँ पे तल रहे हैं ये देखें, और कुछ जो है वो इधर रखे हुए हैं। इसका मिक्सचर अभी बना हुआ है, अभी डालेंगे ये पूर ख़त्म होगा ना उसके बाद डालेंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए माशाल्लाह, और ये देखें पूर तैयार हो गया इधर, ऑयल अब इसका सुखा के उसको इधर डाल देंगे, ये गर्मा गर्म। 2000 years later. यार आज को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करें भाई के, यार मतलब 50 रह गए, सिर्फ 50 या 56 रह गए, तो जहन में भी नहीं आता कि यार मतलब इतनी मेहनत की है और 1000 सब्सक्राइबर। कुछ लोगों को मतलब लग रहा होगा कि यार 1000 सब्सक्राइबर पर कितना खुश हो रहा है ये वो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कितनी मैंने मेहनत की है। तकरीबन 2 साल तो हो ही गए मुझे मेहनत करते हुए, तो अभी भी है कि होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक दिन चैनल भाई का आपको ज़रूर वायरल होगा, और ये बात आप लोग मेरी लिख लें किसी भी सफ़े के ऊपर। वैसे मगरिब का टाइम है अभी, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं, तो अभी अफ्तारी वगैरह भी हम लोगों ने करनी है, तो अफ्तारी वगैरह करते हैं, और आज ब्लॉग इंशाल्लाह ताला एडिट करके पोस्ट कर दूँगा, और आप लोगों ने भाई को याद दो में याद रखना, बस मैं यही कहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।